નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5 હિન્દીમાં પાઠ નંબર 13 સ્વચ્છતા વિશે ભણીશું. સ્વચ્છતા જીવનમાં સ્વચ્છતાનું શું મહત્વ છે? આપણે ગુજરાતમાં નથી કહેતા કે ચોખ્ખાઈ કરે ભલાઈ, તો એ એ યુક્તિને સાર્થક તત્વ જે અપાર છે કહીને આપેલો છે, જે અંતર્ગત આપણે સ્વચ્છતા વિશે સમજીશું કે સ્વચ્છતા આપણા જીવનમાં શું મહત્વ છે. પછી આપણા શરીરની સ્વચ્છતા હોય તો નહાવાથી કરી અને પછી આપણા ઘરની સફાઈ રાખવી જોઈએ અને આપણો આખો પરિસર આપણે ચોખ્ખો રાખવો જોઈએ, એની આપણને પાઠ દ્વારા સરસ માહિતી મળે છે. સ્વચ્છતા ઓર સ્વાસ્થ્ય કા ઘનિષ્ઠ સંબંધ હૈ. સ્વચ્છતા અને સ્વાસ્થ્ય, સ્વચ્છતા એટલે આપણા શરીરની સ્વચ્છતા, આપણા ઘરની સ્વચ્છતા, આપણા ફળિયાની, આપણા શેરીની, આપણા ગામની વગેરે સ્વચ્છતા. અને સ્વાસ્થ્ય એટલે કે આપણું આરોગ્ય. જ્યાં જ્યાં સ્વચ્છતા ત્યાં ત્યાં પ્રભુતા, અને જ્યાં જ્યાં ગંદવાડ ત્યાં ત્યાં મંદવાડ. એટલે કે જો જે જગ્યાએ ગંદકીનું પ્રમાણ વધારે હોય એ જગ્યાએ માંદગીનું પ્રમાણ પણ વધારે હોય છે. સ્વચ્છતા કે અભાવ મેં ગંદકી ફેલતી હૈ, ગંદકી રોગો કી જડ હૈ, ગંદકી રોગો કી જડ હૈ, ગંદકી રોગો કા મૂળ હૈ. ગંદકી કે કારણ હી વો પનપતે હૈ ઓર ફેલતે હૈ. યદિ હમ સ્વચ્છતા સંબંધી સતર્કતા રખે और उचित स्थान पर ही कूड़ा डाले तो स्वच्छ जगत सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं. तो हमारे घर का कूड़ा जो है वह उचित जगह डालना चाहिए, साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं. इसी के कारण गंदगी नहीं फैलेगी और हम स्वस्थ रह सकेंगे. हमें हमारे जो भी रोज रोज की चीजें हैं उसे घर की जो बर्तन सबको स्वच्छ रखना है, हमारे घर के आंगन को स्वच्छ रखना है. तो पहले आप श्रद्धा लिख लें और उसके बाद हम उसी का की चर्चा करेंगे. Thank you.
આ પ્રમાણે સંદાન લખીને તમે તૈયાર કરી દેજો. હવે હું તમને ગુજરાતી ભાષાંતર કરીને સમજાવું છું, ધ્યાન રાખજો. એક દિન અજયને મોહન કો અપને જન્મદિન પર બોલાયા. એક દિવસ અજય મોહનને પોતાના જન્મદિવસ નિમિત્તે પોતાની વર્ષગાંઠ પર બોલાવ્યો. મોહનને પૂછે ઉપહાર મેં દેને કે લીએ કહાનીઓ કા કહાનીઓ કી એક પુસ્તક ખરીદી. ઉપહાર એટલે ભેટ. મોહને એને અજયને ભેટ આપવા માટે એક કહાની અને એક વાર્તાઓની એક કોપી ખરીદી. ઉસે રંગીન કાગજ મેં લપેટા ઓર અજય કે ઘર જપ હુઆ. લપેટા એટલે વિંટાળ્યો. એને એક રંગીન કાગજમાં વિંટાળ્યો અને પછી અજયના ઘરની તરફ ચાલી નીકળ્યો. जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गया. जेवन मोहन अजय की गली के शेरी में पहुंचो एवं जेना पर एक केला की छाल आ गई थी. छिलका एक छाल.
छी छी कितनी बुरी आदत है सड़क पर छींका फेंकना। मोहन के वाले ने छी छी कितनी खराब आदत है सड़क पर के रास्ता पर छाल फेंकनी। मोहन ने मन में सोचा, मोहन ने मन में विचारी, उसने छींका उठाया और इधर उधर देखा, यानी छाल उठाई अने आप जब जो कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ा दान कर दिया। कूड़ा दान ने कचरा पेटी था कचरा पात्र कितना छेदे ने कचरा का पात्र जमा पड़े। उसने छिलका उसमें डाल दिया यानी छाल ने वहां रख दी थी। बहुत सा कूड़ा कूड़े दान के बाहर फैला हुआ था, गड़ों गड़ों कचरों कचरा पात्र ने आजू बाजू फैलाए हुए थे। वहां मक्खियां भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। क्या मक्खियां भिनक रही थी क्योंकि क्या माखियों गड़बड़ी रही थी, बड़बड़ी रही थी, माखियों ने आवाज भी रही हो तो अने यानी आजूबाजू गंदगी फैलाई हुई थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। कितना बता रहे आगे बढ़े तो मोहन ने कुछ बता रहे दुर्गंध आ गई। उसने देखा मैंने जो नालियों के कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है, इसी पानी से बदबू आ रही है। એને જોયું કે નાળીઓમાં જે ગટરની નાળીઓ નાખેલી હતી એમાં કચરો ભરાઈ ગયો હતો અને એના કારણે પાણી બધું થંભી ગયું હતું, રોકાયેલું હતું અને એમાંથી બધી ગંદકી જમા થઈ હતી અને ખૂબ જ દુર્ગંધ આવી રહી હતી। તો ઉસને દેખા નાળીઓ મેં કૂડે કે કારણ પાણી રુકા હુઆ હૈ ઇસી પાણી સે બદબૂ આ રહી હૈ। તો એને જોયું કે નાળીઓમાં કચરાને કારણે પાણી રુકાયું છે અને એમાંથી આ ગંદકી આવી રહી છે। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। मोहन नाक पर रुमाल रखे ने अजय का घर पहुंचो। वहां अजय के और भी कई मित्र आए थे। क्या अजय ने अन्य पर कितना मित्र आ गया था। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय मोहन ने यानी माँ और पिताजी की गैलरी में मुलाकात कराई। अजय की दादी जो बीमार थी, अजय की दादी बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला। मोहन ने अपने मां मले हो मेज पर खाने की चीजें रखी थी, टेबल पर खाने की चीजों को रखे ली थी, जिन पर बार बार मक्खियां आ जाती थी, जमना पर बार बार माखी आ जाती थी। मोहन ने अजय से कहा, मोहन ने अजय ने कहा, अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है। अजय तारा मोहल्ला में तारे शहरी को तारा पिया मार के गंदगी के हमसे क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं करा थी। सो नगर पालिका ने साफ करा के नहीं। अजय की माता जी ने कहा, अजय की माता जी अजय का मम्मी ये कहे बेटा नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, बेटा नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी है अपने ठीक ठिकाने कचरा पात्र पर से, पर कुछ लोग इन उनमें कूड़ा नहीं डालते पर कितना लोगों एवं कचरा डालता मुझे वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं इसलिए सफाई नहीं है नहीं रहती। ये कचरा ने सड़क पर रास्ता पर फेंक दिए थे इतना मात्र सफाई रहती नहीं। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। विजय दिवसीय शाला में मोहन ने पिताना टीचर ने गुरु जी ने अध्यापक ने आ बात जनावी। अध्यापक ने कहा, शिक्षक ने कहो, अध्यापक ने कहो, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से लोगों की जड़ है। तू साधु का ऐसे मोहन गंदगी घड़ा बजा लोगों को मूल छे जड़ के लोग। नगर पालिका का नगर को स्वच्छ रखना तो है पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। नगर पालिका का काम नगर ने स्वच्छ रखना तो है पर आपने पर बजाय हमें मदद करनी जोई। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। चलो एक दिन शाम में बजा जाते अजय का मोहल्ला में जाइए और जाते सफाई का काम शुरू करिए, प्रारंभ करें, शुरू करें। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। रविवार के दिन से बजा अजय का मोहल्ला में गया। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे, झाड़ू जो सावन है बजा का हाथ में एक एक टोकरी અને ટોકરી કથાકાર ટોકરી જેવી વસ્તુ અને એક એક સાવરણી હતી। સડક પર ઝાડુ લગાકર ઉભોને કૂડા એકઠા થયા। સડક ઉપર રસ્તા ઉપર એમણે સાવરણીથી સાફ સફાઈ કરી અને કચરો એકઠો કર્યો।
સપાઈ કરી અને પાણી માટેનો રસ્તો બનાવ્યો. उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली और इन अंदर मक्खी मच्छरों मारने वाली दवा डाली. कूड़ेदान में ढक्कन रखा, कचरा पात्रों को ढक्कन लगा दिया. मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और इन्हें देखने लगे. शेरी में फरियाओ मोहल्ला में रहने वाला बच्चा लोग बाहर पता घरों की बाहर निकले आया अने आज बाल को काम कर रहा था. हमने जुआ लगा बच्चों में बहुत उत्साह था. देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया. जो जोता था बच्चों बदित से शार थी गई, स्वच्छ थी गई. अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में डाल दें. अध्यापक ने लोगों ने समझाया कि घर में कचरों कचरा पात्र में जला दें. वे घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से लोग फैलते हैं. ये घर में आजू-बाजू सफाई रखें ताकि गंदगी से लोगों को फैला. उन्होंने कहा हमने कहू मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे. सप्ताह के अठवारी सात दिवसों को शुरू हमने कहू कि मारी शाला के बालक अठवारिया में एक दिवस ही आया कर से. वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे ते तुम्हारी शरीर को साफ कर से. आप भी इस काम में इनकी सहायता करें, सहायता ने मदद तभी पर आप काम में अपनी मदद. एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, एक व्यक्ति ने आगे आगा आगे कहा, नहीं 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 नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं जरूर. अब आपको ने हमारी कोई जरूरत नहीं. हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे. आपने लोगों को जाते स्वयं अपने जाते हमारा मोहल्ला ने उतारा मोहल्ला ने स्वच्छ रखने से अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे. હવે તમે એને હંમેશા સાફ અને સ્વચ્છ જ જોશો. એ હંમેશા સાફ અને સ્વચ્છ જ રહેશે. બાળકો એનો ભાષણ કરી ગયા પૂરું થાય છે અને હવે આપણે આર્થિક પહેરા અને સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસ વગેરેની ચર્ચા કરીશું. તમે એના સંતાપ તૈયાર કરી રાખજો અને અભ્યાસ પણ તૈયાર કરજો.